आइए दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे वेबसाइट और वेब पेज कैसे बनाते हैं। तो वेबसाइट बनाने के लिए या वेब पेज बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग नोटपैड ओपन कर लेंगे, और नोटपैड में जो सबसे पहला टैग हम लोग टाइप करेंगे वो है HTML। तो हमने जैसे यहाँ पे HTML टाइप कर दिया, और ये टैग क्लोज टैग है। तो जो क्लोज टैग होते हैं उसमें हम लोग स्टार्ट टैग भी टाइप करते हैं और साथ ही साथ एंड टैग भी हम लोग टाइप करते हैं। तो जैसे हमने HTML यहाँ पे टाइप कर दिया, और इसी टैग के अंदर हमने यहाँ पे फिर HTML टैग को बंद कर दिया, और इसी टैग के अंदर हम लोग अपना सारा टैग लिखते हैं। तो जैसे HTML लिख दे, अब हम लोग हेड टैग टाइप करेंगे और हेड टैग को क्लोज कर देंगे। तो ये भी हमारा क्लोज टैग है, और हेड टैग के अंदर ही हमारा टाइटल टैग होता है, क्योंकि हेड पार्ट की कोडिंग हम लोग हेड टैग के अंदर करते हैं। तो जैसे अभी हमने टाइटल करना है, तो हमने यहाँ पे टाइटल टैग ऐड कर दिए, और जो भी हमको टाइटल रखना होता है वेब पेज का वो हम लोग यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो जैसे हमको यहाँ पे हमने फर्स्ट वेब पेज टाइप कर दिए, और टाइप करने के बाद हम लोग टाइटल टैग को क्लोज कर देंगे, और हेड कंप्लीट होने के बाद हम लोग बॉडी टैग यूज करते हैं, जिसमें कि हम लोग HTML वेब पेज के बॉडी को लिखते हैं, बनाते हैं, डेवलप करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बॉडी टैग को इस प्रकार बंद कर दिए, और बॉडी टैग के ही अंदर वेब पेज के सारे कंटेंट को प्लेस किया जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पे एक H1 लगाना है जो बड़े में दिखे, तो हमने यहाँ पे एक H1 से हेड लगा दिए, और हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। और अगर इसको सेंटर में रखना है तो हमने सेंटर टाइप करके फिर यहाँ पे हम लोग लिख दिए फर्स्ट जो कंटेंट हमको H1 में दिखाना है, तो फर्स्ट माई वेब पेज, तो हमने फर्स्ट माई वेब पेज लिख करके सेंटर को क्लोज कर दिए, और फिर हेड को क्लोज कर दिए, और H1 क्लोज हो गया। और फिर बॉडी में जैसे कोई पैराग्राफ ऐड करना है, तो हमने यहाँ पे P टैग से पैराग्राफ लिखते हैं। तो जैसे हमने कुछ भी पैराग्राफ में शो करना है, तो हमने यहाँ पे दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, और ये हम लोग हिंदी में आपको सिखा रहे हैं कि कैसे वेब पेज बनता है। तो दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, वी कैन प्लेस आवर वेब पेज कॉन्टेंट्स इनसाइड बॉडी ऑफ द पेज। इस तरह से टाइप करने के बाद पैराग्राफ टैग को बंद कर देंगे, और ये एक साधारण सा वेब पेज बनाने का तरीका है, जो सबसे शुरुआत में हम लोग जितना काम करते हैं। तो ये बेसिक टैग है, उसके बाद बनाने के बाद इसको हम लोग सेव कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे सेव एज में गए, और ये याद रखना है कि सेव एज में जब हम लोग सेव करते हैं तो पाथ को सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हम अपने फाइल को सेव करें। जैसे डी ड्राइव में सेव करें तो डी हमने सेलेक्ट कर लिया, और सेव एज टाइप में ऑल फाइल कर लेंगे, और जो भी नाम रखना है वो नाम हम लोग रख करके, जैसे लेकिन जैसे हमने फाइल का नाम फर्स्ट लिखा, तो इसके एक्सटेंशन हमेशा HTML ही होते हैं वेब पेज के। तो हम लोग यहाँ पे HTML टाइप कर देंगे डॉट लगा के। तो जैसे हमने यहाँ पे टाइप कर लिया फर्स्ट डॉट HTML, फिर सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ये सेव हो गया। अब जिस पाथ पे सेव किए उस पाथ को हम लोग ओपन करेंगे, और जो हमने अभी सेव किया हम लोग क्या देखेंगे कि वो वेब पेज के ब्राउजर आइकॉन के साथ दिखेगा। तो जैसे ये फर्स्ट वेब पेज है, तो इसको देखने के लिए हम लोग इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। तो ये ब्राउजर में ही ओपन होगा, तो जैसे हमने हमारा डिफॉल्ट ब्राउजर गूगल क्रोम है, तो ये क्रोम में ओपन हो जाएंगे, और हम इस वेब पेज को चेक कर सकते हैं कि ये वेब पेज कैसा दिख रहा है और कैसा बना। तो ये देखिए हमारा वेब ब्राउजर स्टार्ट हो गया, और ये देखिए माई
फर्स्ट माई वेब पेज, ये जो हेड में हमने डाला, सेंटर में डाला वो दिख रहा है, और जो हमने टाइटल रखा है यहाँ पे फर्स्ट वेब पेज वो दिख रहा है, और जो पैराग्राफ थे वो यहाँ पे दिख रहे हैं। अब अगर इसमें हमको और भी कुछ कोडिंग करना है, जैसे मान लेते हैं कि हमको अपने पेज में कोई कलर दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, बॉडी में, बॉडी टैग के अंदर एक बीजी कलर प्रॉपर्टी होती है जिससे हम लोग पेज पे कलर को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हमने बीजी कलर लिखा और यहाँ पे कलर का नाम लिख दिए, और चेंज करने के बाद फिर से सेव करेंगे, और जो हमने फाइल अभी बनाया था उसको रिफ्रेश करेंगे, तो देखेंगे कि हमारे पेज में कलर भी लग गया। अगर हमको फॉन्ट में कलर लगाना है तो हम क्या करेंगे, जो फॉन्ट है उस फॉन्ट के आगे फॉन्ट टैग यूज करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे फॉन्ट टैग यूज करके फॉन्ट का कलर डाल देंगे। तो जैसे फॉन्ट का कलर हमने येलो करना है, तो हमने येलो लिख करके टाइप करके टैग को बंद कर देंगे, और जो फॉन्ट है उस फॉन्ट को, ये फॉन्ट भी हमारा क्लोज टैग है तो क्लोज भी कर देंगे। और फिर ये चेक करने के लिए कि उस कलर में हुआ या नहीं हुआ, हम इसको फिर से सेव करके वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे, क्या देख रहे हैं कि हमारा ये कलर फॉन्ट पे लग गया। तो दोस्तों ये सबसे शुरुआती और बेसिक स्ट्रक्चर है वेब पेज बनाने का। तो यही है हमारा टैग HTML, जिससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, हेड टैग के अंदर हेड को रखते हैं और बॉडी टैग के अंदर बॉडी को रखते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग अब वेब पेज बनाना शुरू कर देंगे, और बहुत ही आसान है। आगे के वीडियो में हम और भी वेब पेजेस बनाएंगे और सीखेंगे कि कैसे हम लोग वेब पेज बनाते हैं और वेबसाइट को डेवलप करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए, आगे हम और भी वीडियो अपलोड करेंगे।